नमस्कार न्यूज़ 6 प्राइम टाइम को आपण मानको स्वागत। प्रथम देखिबा हेडलाइंस। मंडीर अव्यवस्था नहीं गृह उत्तर रखिले जोगाण मंत्री। मंत्री बिवृत्ति में असंतुष्ट विरोधी। बीजेपी कहला बड़का धानर नहीं हिसाब। सेपटे कॉपी चीरी बाचस्पति उपरको फिंगिले बीजेपी नेता प्रदीप्त नायक। देशर विभिन्न राज्य में वृद्धि पाउछि कोरोना संक्रमण स्थिति नहीं स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर चिंता। सेपटे महाराष्ट्र पुणी व्यापिलानी कोरोना महामारी। 24 घंटे चिह्नट हेले 6000 अधिक आक्रांत। एपटे राज्य स्थिति नियंत्रण में थिले बढ़ुची चिंता। नीति आयोग परिचालना परिषदर षष्ठ बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे उद्बोधन देले प्रधानमंत्री मोदी। कृषि भित्तिभूमि एवं मैन्युफैक्चरिंग उपरे देले गुरुत्व। एपटे निर्वाचित सरकार को काम करिबाकु दिया जाउ बोली कहिले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। पेट्रोल डीजल पर बढ़ला प्याज दर। अदिनिया वर्षा जो दर वृद्धि सूचना। प्रति क्विंटल पिछा 4500। कांड छाट कर प्याज बिक्री करने को पड़ा कहले चाषी। सेपटे प्याज पूर्व जमा थे अन्य राज्य को रप्तानी। कलाहां कर्लापाटे हाथी मड़क घटना। अभयारण्य में पहुंचला तीन जनिया विशेषज्ञ टीम। खोज हाथी मृत्युर कारण। 14 दिन में गला 6 हाथी जीवन। तेल दर लगुनी लगाम। आज पेट्रोल दर लिटर पिछा 39 पैसा। डीजेल 37 पैसा वृद्धि। देशर अनेक स्थान लिटर दाम 100 टपिबा परे लोकों भितर तीव्र असंतोष। एवं राज्य में पानीपाग परिवर्तन। राजधानी कोहला पाग और झिपिझिपि वर्षा। उत्तर आभ्यंतरण और दक्षिण ओडिशा केतेक स्थान में वर्षा घड़घड़ी पूर्वानुमान कला पानीपाग विभाग। एवं आसवा संपूर्ण खबर को। विधानसभा विरोधी होहाला सत्वे गृह में धान संग्रह को नहीं उत्तर रखिंट समवाय जोगाण मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाई। गत वर्ष अपेक्षा चलित बर्ष एजाए 21% अधिक धान संग्रहित हो। चलित बर्ष गत 19 तारीख सुधा 55,03,000 मेट्रिक टन धान संग्रह हो। गत वर्ष 45,61,000 मेट्रिक टन धान संग्रह होता। वर्तमान सुधा 9,93,000 चाषी को सरकार धान बिक्री कर। ए बाबद को 10,281 कोटी टंका चाषी आकाउंट को पठा जाए। धानर क्रय दिवस 7 दिन पूर्व चाषी को क्रय तारीख और परिमाण संपर्क में जनई दि जाए। मार्च 31 तारीख पर्यंत धान संग्रहित हो मंत्री कहते। बाहर राज्यर व्यवसायी मानक धान किणाही केवल पंजीकृत चाषी धान किणी समवाय और जोगाण मंत्री कहते। चाषी समस्या मंडी में अव्यवस्था नहीं गृह को गतकाल विरोधी अचल करदे। आज गृह आरंभ सामान प्रसंगे कंग्रेस और बीजेपी होहाला करते। एपरिक जोगाण मंत्री उत्तर कॉपी चिरी देते विरोधी दल नेता। कॉपी चिरी बाचस्पति उपरको फिंगी बीजेपी नेता प्रदीप्त नायक। मंडी प्रसंगे जोगाण मंत्री उत्तर को विरोध कर एपरी करते विरोधी नेता। आज तृतीय दिन में विधानसभा आरंभ गृह में हट्टगोल देखा मिलता। प्रश्नकाल आरंभ चाषी प्रसंग उठाई जोरदार हंगामा करते विरोधी। गृह में उभय कंग्रेस और बीजेपी सदस्य मैंने प्लाकार्ड देखा नाराबाजी करते। तेणु प्रथम दिन 11:30 और अपराह 4 जाए गृह को मुलतवी रखिंट बाचस्पति सूर्य नारायण पात्र। गृह कार्य आरंभ होता कि वर्तमान देखा बाकी रहा कि भाव में आगामी दिन में गृह कार्य सुरखुरी चलुची। राज्यर स्वार्थ सम्बलित प्रश्नगुड़िक उत्थापन हो। राज्य में कमी कोरोना संक्रमण किंतु छाड़ूना डर कारण देशर अनेक राज्य में पुणि थे कोरोना आक्रांत संख्या बढ़ुची। यहाँ दृष्टि रखी लॉकडाउन राज्य में कोरोना स्थिति उद्वेगजनक नहीं किंतु सतर्क न रहिले संक्रमण बढ़िबार आशंका रही। सेपटे गत 24 घंटे राज्य में 65 नुआ कोरोना आक्रांत चिन्हट होती। चिन्हटों मध्य क्वारंटाइन सेन्टर 35 जन स्थानीय अंचल 27 जन आक्रांत चिन्हट होती। समस्त आक्रांत 16 जिलूर चिन्हट होता बेले 14 जिलूर कौन आक्रांत चिन्हट होना। एने राज्य सूचना लोकसंपर्क विभाग ट्विट कर देश में पुणी बढ़ुची दैनिक संक्रमण। विगत 27 दिन मध्य आज गोटे दिन में सर्वाधिक कोरोना आक्रांत चिन्हट होती। जनवरी 23 पर देश में दैनिक संक्रमित संख्या 14,000 टपी नाला। यह क्रमगत ह्रास पाला हेले आज दैनिक संक्रमण 14,000 पार कर। महाराष्ट्र पूर्व भली कोरोना ग्राफ उपरमुहा रही बेले मध्यप्रदेश और पंजाब में भी संक्रमित संख्या हठात वृद्धि पाई। महाराष्ट्र विगत 84 दिन मध्य आज दैनिक संक्रमित संख्या 6,112 छुंची। केवल महाराष्ट्र नुहे आउ 2 राज्य में भी संक्रमित संख्या वृद्धि पाई। पंजाब में गत 24 घंटे 385 जन। मध्यप्रदेश में 298 जन आक्रांत चिन्हट होती। आज नुआ आक्रांत को मिसाई देश में मोट संक्रमित संख्या 1,09,77,387 पहुंची। एमान 1,06,78,848 जन सुस्थ हो घर को फेरी।
पेट्रोल डीजल परे बढ़ला पिज दर अदिनिया वर्षा जो पिज दर में वृद्धि घटी। महाराष्ट्र नासिक रे पिज दर क्विंटल पिछा 2500-2800 टंका रे बिक्री होता बेले आज अचानक ए दर 4500 टंका रे पहुंची। पूर्व नासिक रे पिज गोदाम 30,000 क्विंटल पिज आसुवा बेले जितेबाला गोदाम 30,000 क्विंटाल पिज आसूला से केवल 18,000 पिज पहुंचु 18,000 क्विंटाल पिज पहुंचुची। वर्षा जो पिज नष्ट आमदानी भी कमी फल छाण कर पिज बिक्री करने को पड़ता चाषी यासह बहुसंख्यार पिज बस्ता पूर्व जमा थवर यह तुरंत अन्य राज्य को रप्तानी कर नीति आयोग षष्ठ बैठक अनुष्ठित हो जाए। बैठक में जोगदे मुख्यमंत्री आज निजर वक्तव्य रखिंट से कहते निर्वाचन सरकार प्रत्येक काम को राजनीतिक दृष्टिकोण देखा एसबू देश में शांति एवं विकास रे बड़ बाधक एबे समय आसी देश एमती निर्वाचन वातावरण ऊर्धक आसवा आवश्यक निर्वाचित सरकार को काम करने को दिजाऊ बोली से मत रखिंट मुख्यमंत्री कहते गणतंत्र निर्वाचन आवश्यकता रही है निर्वाचित होगापर सरकार दलमत निर्विशेषे लोकों हितपाई काम करने दरकार से कहते कि प्रत्येक अपराध को राजनीतिकरण करशर शांतिपाई बड़ विपद। बैठक में जितिय दलगुड़ टार्गेट कर नवीन उभय लोकसभा और राज्य विधानसभा महिला संरक्षण पर जितिय दलगुड़ प्रतिश्रुति एवहेला इतिहास क्षमा करना अति कड़ा शब्द ने निंदा कर नवीन अवहेलित क्षेत्र और संवेदनशील लोकों प्रति स्वतंत्र दृष्टि देवाक प्रस्ताव देते मुख्यमंत्री से हीपरी सर्वभारतीय स्तरीय प्रवेशिका परीक्षा पद्धति में परिवर्तन आणवाक से प्रस्ताव देते विश्व महामारी कोरोना जो आह्वान सृष्टि कर मिलित मुकाबला परामर्श देते नवीन पट्टनायक आमेरिका और यूरोपीय देशगुड़िक यार अभाव देखाईला आम देश में यह मिलित उद्यम आवश्यकता रही संकीर्ण राजनीतिर उपरक उठी साधारण लोकों प्रभावित करुवा विभिन्न जटिल प्रसंग में मिलित प्रयास को ही इतिहास मन रखिए नवीन यहस बैठक रेलवे टेलिकम बैंकिंग केन्द्र अनुदान ह्रास प्रसंग उठाई नवीन से स्वतंत्र राज्य पाया किसी भाषा को अष्टम परिच्छेद सामिल बोली दावी करते सिविल परीक्षा नीट जेई परीक्षा पैटर्न परिवर्तन कथा उठाइबा सह कोचिंग नहीं नपारी ग्रामांचल बहु मेधावी वंचित होता कथा कहते से दृष्टि रखी नीति आयोग व्यवस्था करने को नवीन पट्टनायक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीति आयोग परिचालना परिषद बैठक में उद्बोधन देते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे मोदी समस्त राज्य मुख्यमंत्री आलोचना करते कोरोना बेले केन्द्र और राज्य एक हो काम कर भारत सारा विश्व में प्रशंसा पाई मोदी कहते एथसह से देशर विकास अपेक्षा करहबना केवल मिलित भाव काम कले सफलता मिल पार गरीब लोकों जीवनधारे परिवर्तन आसुची देशर विकास यात्रा रे घरोई सेक्टर भूमिका रही अनेक घरोई सेक्टर विभिन्न क्षेत्र में निवेश उत्साह देखाउं सरकारी भाव आमको सरकार हिसाब से एनी उत्साह घर सेक्टर को सम्मान देवार आवश्यकता रही एमती है आत्मनिर्भरशील भारत अभियान ने बढ़ाक रास्ता या कलाहांड कल्लापाट अभयारण्य में हाथी मड़क घटना को नहीं चर्चा लगी रही घटना पछरे कारण कौन जानवापी तीन जनीय केन्द्र टीम कलाहांड में पहुंचती गतल सन्धार केन्द्रीय टीम पक्ष उत्तरप्रदेश बरेल सेन्टर फर व्वल्ड लाइफ वैज्ञानिक डाक्तर करिकलान माथेओ एलिफेट सेल जितियों संजिका और ओयूट प्रफेसर भवानी पटनाठे पहुंचा गौहाटी भेटनरी कलेज पद्मश्री डॉक्टर केके शर्मा का देह असुस्थ से ही टीम आसीपारे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया परवर्त पर्यायर बैठक में जोगद बैठक में केन्द्रीय टीम को सविशेष तथ्य प्रदान करते से आज टीम कलापाट अभयारण्य हाथी मड़क अंचल गस्त कर कार्यक्रम थी सेठे पहुंच समीक्षा बैठक बा तर्जमा करने आरंभ हो गस्तर फेरवापर पुनर्बार आलोचना हो सूचना मिली गत 14 दिन भितर 6 हाथी मृत्यु होता हाथी मृत्यु पर वन विभाग एक चिंतार कारण पलटि कटक टांगीर बंदाल टोलगेट निकट एक आंबुलांस दुर्घटनाग्रस्त होती दुर्घटना रोगी समेत तीन जन मृत्यु होता बेले तीन जन गुरुतर आहत होती आहतों मध्य जन शिशु और दुई जन महिला अच्छा रास्त ढड़ा होता कंटेनर को आंबुलांस पछपट धक्का देवा फल दुर्घटना घटी पश्चिमबंग रोगी को नहीं आसुवा बेले बंदाल टोलगेट निकट रास्त ढड़ा होता कंटेनर को आंबुलांस पछपट धक्का देता फल रोगी समेत तीन जन मृत्यु होता बेले तीन जन गुरुतर भाव में आहत होती कटक बड़ मेडिकल भर्ती कर मंगल पृष्ठ में सफलतार सह अवतरण पर आमेरिका महाकाश गवेषणा संस्था नासार परसिभरेन्स रोभर मंगल ग्रहर एचडी क्वालिटर कलर फोटो उठाई यहसह लैंडिंग साइट फोटो पठाई रोभर ए हाई रेजोल्यूशन फोटो में मंगल पृष्ठ अति स्पष्ट भाव देखाऊँगी एपरिक लैंडिंग बेलर हाई रेजोल्यूशन कलर सेल्फी सेयार कर रोभर मंगल पृष्ठ छुईबार 6.4 फुट उपर सेल्फी उठाई रोभर यह हाई रेजोल्यूशन फोटो को ट्विटर आकाउंट में पोस्ट करी नासा रोभर पठाई एक फोटो में समतल अंचल देखा मिली ए फोटो को देखने एमती जमापड़ी कोटि कोटि वर्ष पूर्वे स्थान में एक नदी किंवा गभीर ह्रद था एने नासा अधिक गवेषणा चलाई भारतीय समय अनुसार गुरुवार राति 2:25 नासार परसिभरेन्स रोभर मंगल ग्रह सफलतार सह अवतरण करता 7 मास पर रोभर मंगल ग्रह अवतरण कर
ଓସ୍କାର ଦୌଡ଼ରେ ସାମିଲ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କାଲିର ଅତୀତ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୀଳମାଧବ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କାଲିର ଅତୀତ ଓସ୍କାର ଦୌଡ଼ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଛବି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ସହ ଆହୁରି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଓସ୍କାର ଦୌଡ଼ର ସାଧାରଣ ବର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ନୀଳମାଧବ ପଣ୍ଡା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ସିନେମାଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସମୁଦ୍ର ପତନ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳର ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ତାହା ଉପରେ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଓସ୍କାର ଏକାଡେମୀର ସ୍କ୍ରିନିଂ ରୁମ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭୋଟ୍ ନୋମିନେସନ୍ ପାଇଁ ଏକାଡେମୀର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିପାରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିକୁ ନେଇ ନୀଳମାଧବ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି କି ଲସ୍ ଏଞ୍ଜେଲ୍ସ ଏବଂ ନ୍ୟୁୟର୍କର ସମସ୍ତ ଥିଏଟର ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ବଦଳିଲା ପାଗ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଝିପିଝି ବର୍ଷା ହେବା ସହ ପାଗ କୋହଲା ରହିଛି। ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଇକ୍ଲୋନିକ ସର୍କୁଲେସନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ସୋନପୁର ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବଲାଙ୍ଗୀର, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ ସୋନପୁରରେ ଗଡ଼ଗଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ, ତେବେ 22 ତାରିଖ ଆଡ଼କୁ ପାଗ ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ବୁଲେଟିନ୍ ଶେଷରେ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ପୁଣି ଥରେ। ମଣ୍ଡିର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ। ବିଜେପି କହିଲା ବଳକା ଧାନର ନାହିଁ ହିସାବ। ସେପଟେ କପି ଚିରି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିଲେ ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ, ସ୍ଥିତି ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନରଙ୍କ ଚିନ୍ତା। ସେପଟେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପୁଣି ବ୍ୟାପିଲାଣି କରୋନା ମହାମାରୀ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେଣି 6,000 ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଏପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି ଚିନ୍ତା। ନୀତି ଆୟୋଗ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦର ଷଷ୍ଠ ବୈଠକ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। କୃଷି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଉପରେ ଦେଲେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଏପଟେ ନିର୍ବାଚିତ ସରକାରକୁ କାମ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ପରେ ବଢ଼ିଲା ପିଆଜ ଦର। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ସୂଚନା। ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 4500। କାଣ୍ଡ ଛାଡ଼ କରି ପିଆଜ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା କହିଲେ ଚାଷୀ। ସେପଟେ ପିଆଜ ପୂର୍ବରୁ ଜମା ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ହୋଇଛି ରପ୍ତାନୀ। କଳାହାଣ୍ଡି କର୍ଲାପାଟରେ ହାତୀ ମଡ଼କ ଘଟଣା। ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲା 3 ଜଣିଆ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍। ଖୋଜିବ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ। 14 ଦିନରେ ଗଲାଣି 6 ହାତୀଙ୍କ ଜୀବନ। ତେଲ ଦରରେ ଲାଗୁନି ଲଗାମ। ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଲିଟର ପିଛା 39 ପଇସା, ଡିଜେଲ 37 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି। ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଲିଟର ଦାମ 100 ଟପିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ। ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ପାଣିପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ରାଜଧାନୀରେ କୋହଲା ପାଗ ଏବଂ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା। ଉତ୍ତର, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ପୂର୍ବାନୁମାନ କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଛି, ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ news6odia.com। ନମସ୍କାର। ନ୍ୟୁଜ୍ 6 ଓଡ଼ିଆ, ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ।